मैंने पीछे जो स्किन है ना स्कैल्प सर की, उस पर मैंने ऑयलिंग की तो है। कब की? अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था तो मैंने की ऑयलिंग। मेरे से ना एक्चुअली कट लग गया था तो उस कट को सही करने के चक्कर में उसको सही करने के चक्कर में वो सारी टीन की तरह ही मैंने कटिंग करी। उसके भी नेल्स और बाल जो है बड़ी जल्दी पड़ते हैं और आपके भी नेल्स और बाल। मुझे कहते हैं पापा ऐसे करने से मुझे बड़ा मजा आता है। उसको तो नहीं लाती भी हूँ फिर भी कंघी से निकलते हैं उसके इतने छोटे छोटे बाल। हाँ चल रहे पीछे आपने मेरे हमें शैम्पू नहीं सही लगाया। शैम्पू जो शीर खाले शीर ये खुश्की नहीं है क्या? ये स्किन रैश है यार। रेड रेड है। हाँ तो रेड रेड इसका मतलब स्किन प्रॉब्लम है। पिछले दिनों आपने वो एक लगाया था मुझे वो लगाया वो जाना कर क्या वो खत्म हो गया? नहीं है इधर पड़ा हुआ है बच्चों को वॉशरूम में पड़ा हुआ आगे नहीं है यहाँ तो पीछे शैम्पू नहीं सही आप करते मुझे ये लगा आगे कुछ भी नहीं है अभी अभी नहाए हाँ ये सारे टिंडा हो गए सारे मैं तो कह रहा हूँ सारे सफेद हो जाए मेरे पास क्यों वैसे ही फिर वो एक तरह का स्टाइल बन गया ऐसे ये जगह अभी ब्लैक है इधर से बाल मेरे हाँ यहाँ से ब्लैक है ये और ऊपर का सीन ऊपर ये सारे ग्रे हैं नहीं मेरे जो बाल है ना वो बड़े रूखे और बेजान से हैं और मैं भी उसकी वजह ये है मेरे स्किन रैशेस की वजह से सर पे जो है कान का सही हो गया हाँ अभी वैसे आवाज़ सही है कान में भी वो स्किन रैशेस की वजह से है। मैं आपको कहा था वॉशरूम में मैंने रखे होते हैं उधर से नहीं मैंने बाहर से एक चीज़ मंगवाई है एयर क्लीनिंग के लिए तो वो नहीं है वो सही नहीं है वो जो मैंने अभी मंगवाई है उसमें कैमरा लगा हुआ है आप मोबाइल पे ऐप करें और बाकायदा जब आप यूज़ करेंगे तो मोबाइल पे कैमरे के साथ व्यू करके तो सफाई करें पता नहीं वो कैसी होती है लेट्स सी कि वो सिर्फ ऐड है कि बाकी कोई काम की चीज़ है ना ये तो भाई डॉक्टर्स तो फिर आए आप तो एक दिन डॉक्टर को सफाई कराने दीजिए नहीं जाना था मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर के पास जाने से पहले एक मैंने आज जाना ना आप उधर अपने किसी नहीं नहीं ऐसे नहीं मुझे जाने के लिए पहले कम से कम एक वीक जो है वो ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे ताकि तो आपने डाले तो जब पिछले दिन मुझे तो उस वक्त नहीं किया मैंने टाइम भी आपको ले कर लेंगे इसमें क्या अच्छा लाइसिस नेट्स वगैरह तो नहीं है मेरे साथ चले ऐसे ही यार कर लें जरा ऐसे लेकिन वो आपकी सारी शर्ट पर कोई बात नहीं कोई मसला नो प्रॉब्लम जब हम कटिंग करवाते हैं ना तो वहाँ हजा आपके पास एक छोटू होता है जो नया नया शिगिर्द होता है तो वो जब सीनियर जो है वो कटिंग करके चला जाता है ना तो फिर वो छोटू की ड्यूटी होती है नहीं छोटे की ड्यूटी होती है कि वो सर को जरा अच्छी तरह मालिश करे अच्छा देखी तो नहीं मालिश नहीं मालिश से मुराद आयल के साथ नहीं वैसे ही वो सर को जरा चसते हैं तो जेल को भी करते हैं छोटे बच्चे ओब्वियसली
मुझे तो किया हमारे तो यहाँ से बाल ऐसे से जड़ते हैं बस अब आते हैं ना ब्रश इतना नरम सा होता है कि उससे जो वैसे आपके आपके बड़ी बड़े पैसे लेते हैं खवातीन के हालांकि उनके बाल भी कम कटिंग हमारी तो बड़ी सफाई सुथराई और बड़ी हमारे बाल लंबे होते हैं मोस्टली तो लंबे गए यार पकड़ के पास उसको थोड़ा सा ऐसे कट कर और लड़कियां जो करवाती हैं स्टाइलिंग भी तो करवाती हैं अब जाइना के आदमी लेयर और उसमें जाइना के यहाँ यहाँ तक बाल थे चले नीचे तक काफी थे तो उसने बस यहाँ से कट किया और उसको इस तरीके से किया कि वो अच्छे लगे हमारे ऐसी कटिंग नहीं होती हमारे पहले ऐसे करते हैं वो बालों को दोनों तरफ पार्टीशन करते हैं बिल्कुल इक्वली ठीक है आगे बाल करके फिर उधर से पिन्ने लगा के थोड़े थोड़े करके आगे से कटिंग होती है फिर इधर से वो करती हैं क्योंकि खवातीन ने सेम कटिंग नहीं करवानी होती वो कोई बी में करवाती है कोई यू में करवाती है और हमारा आधा पौना घंटा लगता है मैं अपनी कटिंग करवाऊँ ना अब मैं इस दफा गई थी ना ये जो जिससे मैं करवाती हूँ ब्यूटिशियन से मुझे कह रहे थे कटिंग काफ़ी देर ही हो गई है नहीं करवाई है आपने मैंने मेरे बाल लंबे हो गए तो मैं कह रही हूँ चल रहा है चल रहा है वो अपने बालों की वो जो लास्ट में वो करती हैं आप ट्रिमिंग वो नहीं आजकल कर रहे होने वाली है बड़े डैमेज हुए चल करें इस साल को जो कर रही थी लंबे तो हुए हैं मेरे बड़े उनसे ट्रिम करवाए ना तो ट्रिम नहीं करती पता क्या करती है सीधा कैंची फेर देती है चाहे जितनी मर्जी लेंथ कम हो जाए मैं जब हाँ जब खुद करती है ना ट्रिम वो दो दो जो दो मुँह बाल जो होते हैं दो मुँह है ना कई दफा तीन मुँह भी होता है चार मुँह अच्छा क्या वो बालों के अंदर से और बाल निकल रहे हैं वो सब ये होता है ना समटाइम हम लोग जब जितने भी कंघी करते हैं बस बाल टूटते हैं वो जितना आप आराम से स्मूथली करेंगे ना कंघी तो वो आपके सही रहते हैं तो मेरे तो लंबे तो हुए हैं मेरे मुझे सारे जाने लंबे हुए हैं फिर लेकिन ये अभी दो मुँह बड़े ज़्यादा हुए हैं कुछ मैं केयर भी नहीं अभी इतनी करती आयरिंग कभी दो हफ्ते बाद कभी एक हफ्ते बाद प्रॉपर आयरिंग की जाए ना फिर बड़े लंबे बाल होते हैं और शैम्पू भी जो मुझे सूट कर रहे हैं गलत हो गई ग्रे बाल आपका नहीं अब बाल खींच रही हैं नहीं तब ना होता है वैसे एक हो तो वैसे कितने जड़ते हैं बाप नए भी आ जाते हैं जड़ते भी रहते हैं बस ये चलता रहता है आपके भाई के इतने इतने उनके कुंडले हैं भाई जान के देखे कर लेंगे उनका भी साजा वो बाल हो गया सारी टीम हो गई उनके बाल ज्यादा थे आपके भाई के हाँ हम बड़े हेरी हैं फैमिली में अब की अम्मा जी तो मेरे नाम है अब्बा जी का मुझे नहीं पता लेकिन वो कहते हैं अम्मा जी के बड़े ज़्यादा अम्मा जी के हैं हाँ सही कह रही थैंक यू यार थैंक यू फॉर वर्क मैं तुम साइड में कर वैसे ही आपका थोड़ा सा मसाज कर दूँ ये तो वैसे उसने आपको कट लगाया ये नहीं एक कट उसने नहीं लगाया ये पुराना ही होगा जब गिरे शायद इधर सीख लिया इतनी सोचा आप शैम्पू यू चेंज करें हाँ कौन सा कर रहे हैं वही ब्लैक पता नहीं आपने जो उधर रखा है ब्राउन कलर तो चेंज और उसमें आपने पानी क्यों डाला मैंने नहीं डाला उसमें पानी है मैंने नहीं डाला बच्चों ने डाला हुआ पता नहीं अच्छा उसमें पानी है तो मैंने मेरे
मुझे और मुझे पता है क्या लगता है, पानी डाल के ना पानी की वजह से वो पता नहीं अजीब सा बन जाता है और उससे मुझे ऐसे जुए बन जाते हैं शायद है तो केमिकल्स ना, तो मुमकिन है वाटर से। और वैसे भी अब शैम्पू के साथ जब वाटर मिक्स करके तो हम सर पे ऐसे उसको मसाज करते हैं तो बिल्कुल उसकी हैयत चेंज नहीं हो जाती। लेकिन कहते हैं डायरेक्ट शैम्पू नहीं यूज करना चाहिए, वो ज्यादा उसमें ज्यादा केमिकल वाली होते हैं, इस तरह पानी भी लगा के करना चाहिए। कई खातिन तो जिनको बेबी ऑयल उसमें कम केमिकल होता है ना, बेबी ऑयल जो शैम्पू जो होता है सर, तो वो यूज करती हैं। बहरहाल केमिकल तो आप बेबी ऑयल यूज करके देखें, केमिकल तो उसमें बेबी शैम्पू, बेबी शैम्पू सर कईयों को बड़ा सूट कर जाता है। यार मुझे मेरा और मसला, मेरी स्किन रैशेस का मेरा इशू है। हाँ देखिए ना नहाया है लेकिन फिर भी आपको बोल रहा हूँ डैंडर तो है। मेरे फेस पे भी स्किन रैशेस की वजह से वाइट वाइट वो होता है स्किन, ऐसे जैसे डेड स्किन। अभी सर्दियों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। आपकी नहीं कभी भी जो है पड़े, कभी नहीं मैंने देखी, लेकिन कई मर्दों को भी पड़ जाती है तो वो जुमे कम ही पड़ती हैं। जुओं को अंडे देने के लिए बूदोबाश के लिए उस तरह का माहौल चाहिए, मर्दों के सर में कहाँ होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं। शेर के तो पड़ती हैं लेकिन शेर के फौरन साफ हो जाता है, तो छोटे बाल है ना, एक दो फंगी में मारती हूँ, अब उसके सर में से सिर्फ एक निकली है और जाइना की 7-8 सर में। हाँ कजन में गई थी तो ये ऐसे मसाज जोड़ के सोती नहीं है ना पति। जिनको होता है ना वो कैंसर की डिजीज के सारे बाल उतर जाते हैं तो बची गए तो नहीं उतरे। मेरा ख्याल है सफर ये भी डिपेंड करता है कि किस किस्म का कैंसर है। 7 वाली आंटी को भी वही होना, मेरे भी तो नैला बजे जो थी उनके भी उतरे थे। 7 वाली आंटी को सर साहब की लेना, उनको कैंसर तो बची वाले से अब का नहीं, उनका तो अक्सर की शादी का वो पहले का कह रही है 7-8 साल बाजीगर में, हम 2-3 साल में डायग्नोज हुआ था। तो किस स्टेज पे है कुछ बता तो। नाला बाजी को भी नाला बाजी को अच्छा इन्होंने शोकत खान नाम से शायद करवाया निसार साहब ने, तो वो कह रही थी मेरे तो सारे बाल उतर गए थे, वो कीमो लगती है तो बाजी को कीमो लगती नहीं थी, हम जो लगवाने जाते थे वो क्या होता था पता नहीं, वो क्या प्रोसीजर। वो कह रही है वो अगर लगे तो वो तो हर किसी के डरते हैं, मैंने कहा उन्होंने वो भी करवाई है और इधर से वो शुआएं भी लगवाने जाती थी एक माँ। पता नहीं बाजी किस प्रोसीजर से लग रही है, वो हैरान हो रही थी, कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बाल ना आते। प्रोसीजर पे डिपेंड करता है ना, वो जिस प्रोसीजर से वो गुजरी है। चलो